इंडिया डेवलप्ड कंट्री की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज देश में निवेश करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही। जी हाँ, भारत में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो गई है जिसे देश में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जीडीपी में भी उछाल आएगा। तो सबसे पहले बेल आइकन दबाकर पावर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ल्यूमिनस, जो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इन प्रोवाइडिंग कम्प्लीट सोलर सोल्यूशन, एडवांस्ड इन्वर्टर एंड बैटरीज, अब ये प्लान कर रहे हैं 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का, जिसे ल्यूमिनस की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए कंपनी ईस्ट इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है और इस इन्वेस्टमेंट से ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज की बैटरी कैपेसिटी को 50% से ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है आने वाले 5 सालों में। अभी फिलहाल इस प्लांट के लिए ईस्ट इंडिया में एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने रिसेंटली हरिद्वार उत्तराखंड में भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी का ये इन्वेस्टमेंट प्लान इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले हफ्ते के शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने में इंडिया इंक की हिचकिचाहट के कारणों को जानना चाहा था। तो साफ है कि सरकार भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस है और चाहती है कि इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करें। उधर कंपनी का टारगेट है 2025 तक एक्सपोर्ट शेयर का 20-25% रेवेन्यू इंक्रीज करना, जो कि साल 2021 में 8% था। और जाहिर सी बात है कि इस इन्वेस्टमेंट से फायदा होने वाला है सिटीजंस को। पहला फायदा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और दूसरा, लोकली पार्ट्स मेकर को भी फायदा मिलेगा। अब आपको बताते हैं ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज के बारे में। ल्यूमिनस सब्सिडरी है फ्रेंच इंडस्ट्रियल जायंट शनाइडर इलेक्ट्रिक, जिसे शनाइडर ने साल 2011 में खरीदा था। आपकी इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पावर टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।